44 साल पूरे हो गए पार्टी को बने हुए। एक विचारधारा लेकर हम लोग चले थे कि गरीब का कल्याण हो, सबको बराबरी का अधिकार मिले। अंत्योदय की जो हम लोगों ने धारणा रखी थी कि लाइन में आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है उसको भी हर फैसिलिटी मिले, उसके ऊपर अगर किसी ने काम किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज जम्मू कश्मीर को हम नया जम्मू कश्मीर बनाने जा रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि यहाँ कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और 400 प्लस का लक्ष्य हम जो लेकर चल रहे हैं उसको पूरा करने में कश्मीर में क्या सहयोग कर सकेंगे। आज उस सिलसिले में बांडीपुरा जिला में बैठक रही, मीडिया के भाइयों के साथ बैठक थी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मीडिया इंचार्जेस, स्पोक्स पर्सन, कॉन्स्टिट्यूएंसियों के मीडिया इंचार्ज, सबके साथ बात हुई कि किस तरीके से मीडिया अपना काम करेगा। और यहाँ के लोकल मीडिया जो हमारी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है या प्रिंट मीडिया है, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि सब सहयोग करें। मोदी जी ने क्या काम किए हैं वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मोदी जी ने बहुत काम किए, चाहे हम महिला वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। उस स्कीम्स को वो लोगों तक पहुंचाएं, हमारे कार्यकर्ता उसके लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछली सरकारों ने लूट खसूट की, यहाँ पर उग्रवाद को पनाह दी, यहाँ पर कब्रिस्तान बनाया, हमारे युवाओं को तबाह किया, ये लोग समझ चुके हैं। और मुझे जो देखने को मिला, पहले कुपवाड़ा में बैठक हुई और अब बांडीपुरा में हुई, यहाँ लोग यही कह रहे हैं कि इन राजनीतिक पार्टियों से, इन परिवारवादी पार्टियों से हमें निजात पानी है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कि जंग राष्ट्रवाद के खिलाफ है, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। आज तक उग्रवाद को अगर किसी ने यहाँ जगह दी है वो उन पार्टियों ने दी है। यहाँ के युवाओं के हाथ में अगर गन थमाई है तो वो उन पार्टियों ने थमाई है। हमारे युवाओं के हाथ में पत्थर अगर किसी ने दिया तो एनसी और पीडीपी ने दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग समझ गए हैं कि अब इनके यूथ तबाह नहीं होंगे। हमने यहाँ पे अपने वसीम बारी की कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी को हम जाया नहीं होने देंगे। यहाँ कार्यकर्ताओं ने कसम खाई है कि इस बार एनसी और पीडीपी का सफाया करेंगे। और कांग्रेस तो पूरे देश से साफ है, कश्मीर में तो कहीं भी नहीं दिखेगी। इस बार भाजपा ही दिखेगी आपको और मोदी जी ही दिखेंगे। 400 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, पूरे देश में हम लोगों ने कसम खाई है कि 400 प्लस लेके रहेंगे। 370 हमने खत्म किया जम्मू कश्मीर में, 370 सीट्स हम बीजेपी की लेने जा रहे हैं, उसके एक्स्ट्रा जो आएंगी 400 प्लस हम एनडीए को मिलाकर ले रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे।